हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी ग्रीन किचन में स्वागत है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। दोस्तों, आज की रेसिपी है हैदराबादी चिकन फ्राई। तो इसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम्स ऑफ चिकन, अब हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 1/2 टीस्पून, या आप अगर तीखा ज्यादा पसंद करते हो तो 2 बड़े चम्मच ले सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर 1 पिंच, चिकन मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच, चाट मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, लेमन जूस 2 छोटी चम्मच, सॉल्ट 1 छोटी चम्मच, या आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, बेसन का आटा 3 छोटी चम्मच यानी कि ग्राम फ्लोर, एग वाइट एक लिया है हमने, टोमेटो सॉस 1 छोटी चम्मच, बेकिंग सोडा 2 पिंच, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जो है चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं हमारा चिकन अच्छे से रेडी है। तो चलिए इसे ओवर नाइट के लिए मैरिनेशन के लिए रख लेंगे रेफ्रिजरेटर में। तो दूसरी तरफ हमने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर 3 बड़े चम्मच। अब हम ऐड कर रहे हैं मैदा यानी कि ऑल पर्पज फ्लोर 3 बड़े चम्मच, थोड़ा सा सॉल्ट, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हमने कढ़ाई ली है और ऐड किया है ऑयल फ्राई करने के लिए। तो इस ऑयल को अच्छे से हीट कर देंगे। यहाँ पे जो हमने कोटिंग के लिए बनाया था यानी कि चिकन को कोट करने के लिए, जो हमने मैरिनेशन के लिए चिकन रखा था, उस चिकन को लेकर इस मिक्सचर में अच्छे से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद एक प्लेट में ले लेंगे। इसी तरह से हम सभी चिकन के पीसेस को अच्छे से कोट कर लेंगे। तो हमारे चिकन के पीसेस कोट होके रेडी है। तो चलिए, हमारा ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए, हमने जो चिकन के पीसेस कोट किया है उसे फ्राई करने के लिए ले लेंगे। इस चिकन के पीसेस को फ्राई करने के लिए आपको लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। ध्यान रखिए, आप चिकन को फ्राई करते वक्त थोड़ा सा ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो। तो हमारे चिकन के पीसेस रेडी है। तो चलिए एक प्लेट में ले लेंगे
और सर्व करेंगे थोड़े से ऑनियन और धनिया पत्ती के साथ। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।